खरगोन में आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के 21वें दिन स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर नियमित कर्मचारी और डॉक्टर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के समर्थन में आ गए। इस दौरान शासन की दमनकारी नीति का आरोप लगाते हुए संयुक्त मोर्चा ने जिला अस्पताल में एक घंटे तक काम बंद करके संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की नियमितीकरण की मांग को जायज बताने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की नियमितीकरण की मांग को लेकर जायज बताने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की मांग नहीं मानी गई, तो सभी नियमित कर्मचारी अनिश्चितकालीन पर चले जाएंगे। इस दौरान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया। जिला अस्पताल में एक घंटे तक कर्मचारियों और डॉक्टरों के काम बंद कर देने से मरीज परेशान होते रहे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। इसके पहले भी 42 रोज की हड़ताल कर चुके हैं और ऐसे में आज फिर हमको लग रहा है कि शासन इनकी बातों को अनदेखा कर रही है। इसलिए आज हम रेगुलर कर्मचारियों को भी, नर्सिंग एसोसिएशन हो या स्वास्थ्य विभाग के जितने संगठन हैं, आज हम इनके साथ में एक घंटे के लिए बंद कर आए हैं और एक घंटे का इनको नैतिक समर्थन देते हैं। अगर भविष्य में शासन द्वारा इनकी बातें नहीं मानी जाती है, तो निश्चित मान के चलो कि खरगोन जिला ऐसा पहला जिला होगा जहां से हम 52 जिलों को प्रेरित करते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी नियमित कर्मचारी संगठन है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, सारे इनके समर्थन में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमें भी अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाना पड़ा तो हम इनके साथ में रहेंगे, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं। ये तो शासन की नीति है, संविदा और नियमित वाली, जो कि एक दमनकारी नीति है। कोरोना समय पे इन्होंने, हम स्वीकार करते हैं कि हमसे ज्यादा काम शासन ने इनसे लिया और हमसे ज्यादा ये काम करते आए हैं, और ऐसे में इनका शोषण होना, ये भी हमारे भाई है, परिवार के अंदर एक छोटे भाई का अगर दमन होता है तो बड़ा भाई स्वीकार नहीं करेगा। घंटे काम बंद के दौरान मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल परेशानी होती है, क्योंकि ये मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। ये ऑफिस नहीं है जहाँ पे फाइल बंद हो जाती है, यहाँ पे मानव का ही स्वास्थ्य दांव पे लगा रहता है। हम नहीं चाहते कि उनके साथ में ऐसा कोई हो। हम इमरजेंसी सेवाएं आज एक घंटे के लिए एक दो कर्मचारी वहां छोड़ के आए हैं, बाकी पूरा स्टाफ मैदान में है। लेकिन अगर शासन अपनी रवैये पे रहती है तो निश्चित मान के चलो कि हम भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। चेतावनी, बिल्कुल खुली चेतावनी है सरकार को कि अगर नहीं इनकी बातें मानी तो हम नियमित कर्मचारी भविष्य में इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। दिलीप बवाल, तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन जिलाध्यक्ष। आपको समर्थन दिया कर्मचारी? निश्चित रूप से हम लोग संविदा कर्मचारियों का विश्वास देने हड़ताल का शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया गया। इस हेतु आज नियमित कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग ने हमको समर्थन दिया, क्योंकि हम उन्हीं के परिवार के हिस्से हैं, छोटे भाई हैं, तो निश्चित रूप से जब छोटे भाई को तकलीफ होगी तो बड़ा भाई सामने आएगा ही, और बिल्कुल वो कंधे से कंधा मिला के हमारे बुरे समय में हमारी जो मुसीबत है, हमारे ऊपर शोषण नीति है और प्रशासन द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, उसके समर्थन में आज हमारे साथ में खड़ा है ये लोग। क्या नाम लिखते हैं आप? रूपेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।